लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? कांग्रेस जनरल सकत्र प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक खास इंटरव्यू विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम के आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश विच कोरोना की दूसरी लहर नाल आए संकट लई सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेवार है। इन्हां वल्लों पहली लहर तो कोई सिक्ख्या नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि भारत विच जदों लोग कोरोना तो तरह तरह कर रहे हैं ता मोदी चोण रैलियां विच किवें हस सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISIS नाल ता गल कर सकती है, पर डॉक्टर मनमोहन सिंह दे सुझाव नहीं मन सकती, विरोधी धिर नाल गल नहीं कर सकती। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भारत दुनिया विच सब तो वध ऑक्सीजन का उत्पादक देश है, फिर भी देश विच ऑक्सीजन की कमी है जो समझ तो बाहर है। आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। यही बात जन जहां से भी रिपोर्ट आ रही है, लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी मदद करिए, कहीं ना कहीं से हमें दवाइयां दिलवाइए, ऑक्सीजन दिलवाइए, बेड दिलवाइए, और आप बड़ी बड़ी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। हंस कैसे सकते हैं? मैम यही मेरा सवाल है कि चुनावी रैलियों को क्यों नहीं कोरोना छू रहा है, या उन राज्यों में कैसे कह सकते हैं कि नहीं छू रहा है? कोई जाके चुनावी रैलियों में टेस्ट करा रहा है? कोई चेक कर रहा है कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, 40,000 लोग, 30,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आपने अभी तक नहीं किया, अब तो करिए, अब तो रोकिए। जब ये संक्रमण इतना बढ़ गया है, आप यूपी के आंकड़े देखिए, 4 तारीख या 5 तारीख से 16 तारीख तक 7 गुना संक्रमण बढ़े हैं, तो इसी तरह से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, और जब इतना बढ़ रहा है तब तो रुक जाइए ना। देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इंडिया प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। आप रेमडेसिविर को देखिए, रेमडेसिविर आज एक एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 million remdesivir injections were exported. 1.1 million remdesivir के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की है पिछले 6 महीने में, ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेके मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन्स। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दिया आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अपने पीआर में आप पड़े रहे,
और हमें हर हर रोज टीवी पे दिख रहा था कि मॉरिशस जा रही है, नेपाल जा रही है वैक्सीन। आपने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की और हिंदुस्तानी लोगों को आपने 3 से 4 करोड़ तक उसी समय में आपने सिर्फ उतना वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन की कमी है, तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रेटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाया? आपने अपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। ये सरकार ISI से बात कर सकती है। दुबई में इनके इनका वार्तालाप चल रहा है ISI के साथ, विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती। जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा। और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं, हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं, ये इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। तो ये डेमोक्रेसी, आपने कहा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चर्चा से ही काम आगे बढ़ता है, लोकतंत्र में कभी कभी आलोचना भी सुननी पड़ती है, और खास तौर से ऐसे मौके पर जब पूरा देश इस इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है, ऐसे मौके पर ये तूतू मैं किसी को शोभा नहीं देता, किसी को। तो जब विपक्ष के नेता आपको सुझाव दे रहे हैं तो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो आपने की नहीं। जैसे मैं भी कह रही हूं, मैं किस लिए इतनी उत्तेजित कह रही हूं, क्योंकि जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, जो हो रहा है हमारे सामने, हम सबके साथ, इस महामारी ने किसी को नहीं छोड़ा है, सब हम देख रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में नाराजगी तो होगी ना कि क्यों नहीं किया, आपके पास समय था। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे, पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान है और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी है। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।